मैनेजर साहब, जो औरत अपना बदला लेने के लिए अपने बेटे का ही इस्तेमाल करने से नहीं हिचकी, उसके लिए आप किस खेत की मूली थे? वो आपकी बहन की जिंदगी खराब करके रख देती। इतना बड़ा षड्यंत्र और मुझे कुछ पता भी नहीं है। रूपा जी के गुनाह में मैंने भी उनका साथ दिया, काजल की कोठरी में अपना हाथ काला किया। भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। भाई साहब, आपसे गलती अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं। पर गलती तो हुई है ना। मैं कितने साल से मैडम की सेवा कर रहा था, मालिक के जाने के बाद उनका पूरा व्यापार संभाला, दिन रात सोते जागते सिर्फ कंपनी की भलाई के बारे में सोचा, और मेरी ईमानदारी का ये सिला मिला मुझे। भैया, हम लोगों को इन लोगों का एहसान मानना चाहिए। आज इन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों को सच्चाई का पता चला है। हाँ बहन, मैं इन लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अनजाने में ही सही, पर मैंने इन लोगों का बहुत बुरा किया है। सुधाकर बाबू, मैं आपकी बहन पूजा के बारे में आपके गांव जा जाकर जानकारी लेता था और रूपा जी को देता था। मैंने ही उन्हें मास्टर जी की बीमारी की खबर भी दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपना बदला लेने के लिए मास्टर जी के घर की जांच पड़ताल करवा रही है। मैं तो सोच रहा था कि उन्हें अच्छी बहू की तलाश है, इसीलिए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब आप बार बार खुद को गुनहगार ना कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने नमक का फर्ज अदा कर रहे थे बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि आज मेरी बहन को दिखाने का कार्यक्रम है, वो भी रूपा जी के ऑफिस में, जबकि ये कार्यक्रम तो बहुत जल्दबाजी में बना था। वो पूजा ने जीजा जी की माँ और अपनी सास की बात सुन ली थी, और जैसे ही हमें पता चला कि ऑफिस में ये कार्यक्रम होने वाला है, तो हम सोचने लगे कि कैसे रोका जाए ये सब। हम पुलिस की भी मदद ले सकते थे, लेकिन फिर मोनिका बहन की इज्जत भी मीडिया में उछलती। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मोनिका को सब कुछ बताया जाए, उसे बचाया जाए। बस मैं इंदु को लेकर ऑफिस पहुंच गया। आप लोग अंदर थे और मोनिका बहन हॉल में। मोनिका। हाँ? सुधाकर भाई साहब, आप यहाँ? आपने तो इस कंपनी में नौकरी छोड़ दी थी ना? हाँ मोनिका, पर अपनी बहन की जिंदगी खतरे में देखकर मैं यहाँ आ गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मोनिका, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। देखो, मैं जानता हूँ, यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए लाया गया है। जिस लड़के से तुम्हारे विवाह की बातचीत चल रही है ना, वो पहले से ही शादीशुदा है, ये बात तुम जानती हो? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें धोखे में रखा गया है। ये अंदर सब गलत लोग बैठे हुए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैं कैसे?
देखो बहन, सोचने का समय नहीं है। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, तो अपने भाई पर विश्वास करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन भाई साहब मुझे ढूंढेंगे तब। देखो मोनिका, इंदु यही रहेगी और ये उन लोगों की अच्छे से खबर भी लेगी और तुम्हारे भाई साहब को सावधान भी कर देगी ताकि वो धोखा खाने से बच जाए। मोनिका माफ करना, पर समय नहीं है, चलो। बहन मुझे माफ कर दो, वो तो इन वक्त पर सुधाकर बाबू ऑफिस में आकर तुम्हें ले गए, नहीं तो बहुत जिल्लत झेलनी पड़ती मुझे। रूपा जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। भैया जो बीत गया उसको भुलाकर बिगड़ी बात संवारनी है, अब अपनी गलती सुधारनी है। चल गया है कि रूपा जी कैसी औरत है, तो आज से उनकी कंपनी में आप नौकरी नहीं करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे। मोनिका बहन एकदम ठीक कह रही हैं। उस चुड़ैल के यहाँ आप नौकरी करेंगे तो आपके चेहरे पर भी कालिक लग जाएगी। आप तो काफी अनुभवी हैं मैनेजर साहब, व्यापार कैसे किया जाता है आपको पूरी जानकारी है, आपको तो तुरंत ही किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। हाँ भैया, ऐसी औरत के यहाँ आपको किसी हालत में काम नहीं करनी चाहिए। भैया क्या सोच रहे हैं, अगर आपको मेरी चिंता है, हमारे घर की चिंता है, तो सारी चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग कैसे भी जी लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, लेकिन खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये नौकरी नहीं छोड़ी, तो सब कुछ होने के बाद भी हम लोग कभी भी चैन से सो नहीं पाएंगे। गुनाह का एहसास हम लोगों को कचोटता रहेगा, सताता रहेगा भैया। मोनिका, नौकरी छोड़ने की चिंता मुझे नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे बाद कंपनी को कौन संभालेगा। रूपा जी को कुछ भी नहीं मालूम, वो तो बस मेरे ही भरोसे रहती थी। बहुत मेहनत से मैंने वो कंपनी खड़ी की है। देखिए मैनेजर साहब, आपके जज्बात कंपनी के लिए ठीक हैं, लेकिन बात जब परिवार की भलाई की होगी, गुनाह के दलदल से खुद को निकालने की होगी, अपने जमीर बचाने की होगी, तब जज्बात और दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। अब वही कीजिए जो आपका दिल नहीं दिमाग कहे। आप ठीक कह रहे हैं सुधाकर बाबू। मोनिका, मैं वादा करता हूं, आज से तुम्हारा भाई रूपा जी की कंपनी में काम नहीं करेगा। भैया एक और बात है, अब से हम लोगों को झूठ का नहीं सच का ही साथ देना होगा। रूपा जी बिना मतलब दिल को पहाड़ बनाकर इन लोगों से बदला लेना चाहती है, इसीलिए अब हम लोगों को सुधाकर भाई साहब का हमेशा साथ देना है। हाँ बहन, अब मैं सुधाकर बाबू का ही साथ दूंगा। सुधाकर बाबू,
मुझे मालूम है रूपा जी ने झूठा इल्जाम लगाकर प्रभाकर को जेल भिजवा दिया है। कोर्ट में अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मुझे बोल दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलो मोनिका। मोनिका, ये भी तुम्हारा ही घर है, आती जाती रहना। जी भाभी, जरूर। नमस्ते, नमस्ते। अब पूजा की सास की हालत खराब होगी क्योंकि अब कोई नहीं है उसके साथ। क्यों? जीजा जी और उनकी माँ तो अभी भी उनके ही घर में है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो शांत बैठने वाले हैं। अपना मतलब साधने के लिए वो लोग जरूर उनको सिखा पढ़ा रहे होंगे। हाँ, वो लोग अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनका सारा खेल बिगड़ चुका है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम चाहे तो मामले को संभाल सकते हैं। कुछ नहीं संभलेगा अब, तुम इस रिश्ते की बात अब भूल जाओ। तीर कमान से निकल गया है, वापस नहीं आएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को इन सब बातों का पता कैसे चला। ये कैसे पता चला कि हम लोगों ने ऑफिस में लड़की देखने का कार्यक्रम रखा है, और तो और एकदम सही समय का पता था उन लोगों को। वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पूजा के सामने भी हमने कोई बात नहीं की थी, फिर किसने बताया होगा उन लोगों को? वो भी पता चल जाएगा माँ, पर इस समय ये सोचना है कि हम लोग क्या करें। वो लोग भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं पुलिस में सही में रपट लिखवा दिया तो हम लोग फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? कोई तुम्हारा विवाह थोड़ी कर रही थी मैं, अरे हम तो केवल लड़की देखने गए थे। हाँ, पर पहली पत्नी के रहते हुए विवाह के लिए दूसरी लड़की देखना भी जुर्म है। तो हम लोग मना कर देंगे कि हम लोग लड़की देखने की नहीं बल्कि लड़का देखने की बात कर रहे थे। इतना आसान नहीं है, मना कर देंगे। वो मैनेजर हमारा पोल खोल सकता है, इंदू उसे अपने साथ लेकर गई थी, वहां पता नहीं क्या क्या सिखाया होगा हम लोगों के खिलाफ, भड़काया होगा उन लोगों ने। मां, अगर वो मैनेजर पुलिस तक पहुंच गया ना तो हमें कोई नहीं बचा सकता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है मां, तुम ही मुझे सिखा पढ़ाकर यहां ले आई। रोज एक नया मोड़ आने वाला है, माँ बेटे के रिश्ते में जरूर कोई भेद है। उसका भेद तो खुला नहीं, हमारे भेद का पता चल गया। ये यही तुम्हारा नया मोड़ आने वाला था। हम लोग रूपा जी की सेवा करेंगे, उनकी हमदर्दी हासिल करेंगे, मालदार बनेंगे, नीलू के लिए अच्छा लड़का देखेंगे, उनसे पैसे ऐंठेंगे। क्या क्या नहीं सोची थी माँ, सब मिट्टी में मिल गया। मालदार बनने के चक्कर में अब जेल जाऊंगा, बिना सोचे तुम्हारी बात मान ली। बेटा तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। रूपा बहन हम लोगों को कुछ नहीं होने देगी, और हमने सिर्फ बात ही तो की है, कोई विवाह थोड़ी कर लिया है। और फिर तुम सारा दोष मुझे ही क्यों दे रहे हो? तुम भी तो आरती से छुटकारा पाना चाहते थे। हाँ, पर मेरे दूसरे विवाह का चक्कर तो तुमने ही चलाया था। अब ये रूपा जी ने पता नहीं तुम्हें क्या सिखा पढ़ा दिया कि इतनी हड़बड़ी में मेरे दूसरे विवाह की तैयारी करने लगी। हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ही दोष दो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं अपने बेटे बेटी की भलाई के लिए ही तो ये सब कर रही थी, मेरा क्या फायदा है इसमें? दूसरा विवाह करके तुम्हारी गृहस्थी सवर जाती,
नीलू का विवाह हो जाता तो उसकी गृहस्थी सवर जाती। क्या गलत सोचा था मैंने? माँ, माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत सोचा था, पर तुम बहुत जल्दबाजी करने लगती हो। पहले हम लोगों को नीलू के विवाह के बारे में सोचना चाहिए था, उसके बाद आरती का तलाक और मेरे दूसरे विवाह के बारे में सोचा था। पर हर जगह से जब दहेज की मांग आने लगी तो क्या करती मैं? तुम्हारे पास भी तो नहीं थे पैसे। माँ, रिश्ता बराबरी में ढूंढा जाता है। अब तुम ऊंचे खानदान का बढ़िया कमाऊ लड़का ढूंढोगी तो दहेज तो मांगेंगे ही ना वो लोग। तुम कुछ भी कहो, पर मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही ये सब कर रही थी। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि इस मामले में मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल न जाना पड़े।